हम लोग नया एक्सरसाइज एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 1 से चालू कर रहे हैं। इंटीग्रेशन x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रो ले लेते हैं इसका, ठीक है, उसके बाद इस पे जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, अगर कोई भी इंटीग्रेशन इस टाइप का फॉर्म में हो, किस टाइप का फॉर्म, कुछ भी ऊपर में लिखा हुआ है हम 1 रख दे रहे हैं, नीचे में कुछ भी लिखा हुआ है जैसे कि x प्लस ए और x प्लस बी, या फिर x प्लस सी भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या ऊपर में भी कुछ लिखा रहा है x प्लस के, कुछ भी लिखा रहा है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, ऊपर रहे या नहीं रहे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेट करके इस क्वेश्चन को लिख देंगे a बाय x प्लस ए, b बाय x प्लस बी और c बाय x प्लस सी। अच्छा a b कैपिटल c मजा नहीं आ रहा है बोला, तो इसको एक काम करते हैं यहां लिख देते हैं t, ये t कर देते हैं, अब c अच्छा लगेगा क्योंकि a b c और क्या होता सेम हो जाता है, इसीलिए उसको नहीं किए, ठीक है। अब क्या करना है, अगर मान लो हम इस क्वेश्चन को इसके जैसा एज्यूम करते हैं, लिखते हैं लेट x डिवाइडेड बाई क्या करना है, ये वाला पूरा जो लिखा हुआ है x प्लस 1 और x प्लस 2, इसको क्या एज्यूम करना है, a बाय x प्लस 1 और b बाय x प्लस 2, क्योंकि यहां तक क्या है 2 तक है, तो हम लोग 2 ही तक में जाएंगे। अब चेक करो, क्या अगर हम इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं तो क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे, x प्लस 1 x प्लस 2 a ब्रैकेट ओपन x प्लस 2 और b ब्रैकेट ओपन x प्लस 1 और नीचे में x प्लस 1 और x प्लस 2। अब यहां से नीचे वाला पार्ट कैंसिल हो जा रहा है, क्या बचेगा, a x प्लस 2 और b x प्लस 1। यहां से हम लोग को a और b का वैल्यू निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि अगर हमको a और b का वैल्यू मिल गया, जैसे मान लेते a का वैल्यू आ गया 5 और b का वैल्यू आ गया 3, तो इसको इंटीग्रेट हम लोग इजिली कर सकते हैं, 5 log x प्लस a और इसको लिख सकते हैं 3 log x प्लस b। तो चेक करो, यहां पे निकालने के लिए वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसको जीरो करेंगे, x प्लस 1 को क्या करना है जीरो, तो x का वैल्यू कितना आने वाला है नेगेटिव 1, तो यहां लिख देते हैं हम लोग when x इक्वल टू नेगेटिव 1, तो इस पूरा इक्वेशन में x का वैल्यू नेगेटिव 1 पुट करेंगे, ये नेगेटिव 1 है, a ब्रैकेट ओपन नेगेटिव 1 प्लस 2 प्लस b माइनस 1 प्लस 1, ये तो जीरो हो गया, तो ये खत्म, यहां a हो जाएगा, यहां नेगेटिव 1, a का वैल्यू आ गया माइनस 1। अब b के लिए क्या करना है, when इसको जीरो करना है, तो इसका जीरो करेंगे तो कितना आएगा, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, मतलब x इक्वल टू नेगेटिव 2, तो यहां लिखते हैं when x इक्वल टू नेगेटिव 2, तो ये क्या बनेगा नेगेटिव 2, ये वाला तो जीरो बन जाएगा, लिखने का कोई फायदा नहीं, इसको लिखते हैं b नेगेटिव 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा नेगेटिव b नेगेटिव 2, नेगेटिव काट दिए b का वैल्यू आया 2। तो अब चेक करो, क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, फ्रॉम 1 लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि 1 से ही ना चेंज किए हम लोग, तो 1 में अगर हम लिख दें x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x प्लस 2 को a, a का वैल्यू कितना माइनस 1 और नीचे कितना होगा x प्लस 1, b का वैल्यू क्या है 2, यहां पुट करते हैं 2 और x प्लस 2, अगर इसी चीज को हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का क्वेश्चन आ गया ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे बात बराबर है, नेगेटिव 1 को बाहर रख के हम लिख दिए x प्लस 1, यहां 2 को बाहर रख के लिख दिए x प्लस 2, और अगर बाय में रहता है तो आंसर होता है लॉग में, ये लॉग में आ जाएगा, ये भी लॉग में चल जाएगा, और इंटीग्रेट करने के बाद एक सी तो लिखना ही पड़ता है, इसको लिख सकते हैं क्या 2 log x प्लस 2, ये वाला क्या है माइनस में log x प्लस 1 और ये एक सी तो है ही, तो इसको क्या करें, ये 2 को ऊपर ले जाते हैं, क्यों, log का एक प्रॉपर्टी है a का पावर m हो जाता है, तो m बाहर आता है, अगर बाहर में लिखा रहेगा तो हम उसको क्या करेंगे ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा log x प्लस 2 का पावर 2 माइनस log x प्लस 1। अब माइनस में है तो log का एक प्रॉपर्टी और लगेगा, log a माइनस log b, log a by b, तो इसको लिख देते हैं log x प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और एक c भी आएगा। तो ये था 1 नंबर, एक बार आंसर देख लेते हैं 1 का, 7.5।
फाइव का वन, हाँ सही है, ये आंसर है, मॉड में रखा गया है इसको, ठीक है। तो ऐसे भी लॉग को मॉड में ही रखते हैं, ये मॉड में रखें और स्क्वायर में मॉड नहीं दे रहे क्योंकि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव हो ही जाता है, इसलिए यही आंसर होगा। ये था वन नंबर 7.5 का।